नमस्कार, आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की। इसके पहले भी आओ सीखो ने दो कोर्सेस अलग अलग बनाए, जिसमें पहला था बेसिक इंग्लिश का जिसमें 50 वीडियोस थे और दूसरा था बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स का, उसमें भी 50 वीडियोस थे। इन दोनों कोर्सेस में ढेरों एक्सरसाइजेस थी और उनसे हम उम्मीद करते हैं आपने ऑलरेडी अपना फाउंडेशन अच्छा प्रिपेयर कर लिया होगा, यानी कि अपनी नींव मजबूती से तैयार कर ली होगी। अब बारी है उस सब को यूज करने की जो हमने पिछले दो कोर्सेस में सीखा। स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में सबसे पहले हम ये समझें कि स्पोकन इंग्लिश होती क्या है। कई बार लोगों को एक भ्रांति होती है, एक भ्रम होता है, उन्हें लगता है कि इंग्लिश तो इंग्लिश है, हिंदी हिंदी है, उसमें क्या रिटन क्या स्पोकन। पर दरअसल इन दोनों प्रकारों में जमीन आसमान का फर्क है। दरअसल स्पोकन इंग्लिश तुलनात्मक रूप से सरल होती है, उसमें शब्द भी कम इस्तेमाल होते हैं। अगर एक मनुष्य 40,000 शब्द के शब्द भंडार से संपन्न हो, यानी कि उसके पास 40,000 वर्ड्स की वोकैब हो, तो भी वो उसमें केवल 20,000 यानी कि 20,000 वर्ड्स को वो इस्तेमाल करता है लिखने में। बोलने में 10,000 का आंकड़ा भी पार नहीं होता, यानी अपनी कुल शब्द शक्ति का केवल 25% ही वो अधिकतम इस्तेमाल करता है बोलचाल में। इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि जब भी हम स्पोकन इंग्लिश या स्पोकन हिंदी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें शब्द संख्या कम होगी, वो सरल शब्द होंगे, क्योंकि स्पोकन में चीजों को फटाफट समझना होता है और उसमें एक प्रिंसिपल एक सिद्धांत काम करता है जो है देन एंड देयर का सिद्धांत, यानी तभी और वहीं, हाजिर जवाबी के साथ हमें उत्तर देने होते हैं उन सवालों के जो हमसे पूछे जाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में होता क्या है कि हमारे पास एक खत आया, आज हमने उसको पढ़ा, समझ में नहीं आया, दो बार तीन बार चार बार पढ़ा और उसके बाद उसका उत्तर शांति से प्रिपेयर करके हमने दिया। जबकि स्पोकन में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, एक बहुत ही बड़ी चुनौती हमारे सामने होती है, हमें तभी और वहीं यानी देन एंड देयर आंसर देना होता है, चीजों के उत्तर हाथों हाथ देने पड़ते हैं। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में जो कुछ भी होता है उसके इतर उन सब के अलावा भी एक चीज और है जो है साइन लैंग्वेज, जिसे मूक बधिर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा दोनों से हटकर है, इसमें केवल संकेतों का सहारा लिया जाता है, यानी कि हाव भाव से ही सारी बात कही जाती है। अब यहाँ एक और चीज हम सीखें कि अगर एक गूंगे व्यक्ति को पानी मांगना हो तो वो साइन लैंग्वेज में ही मांगेगा, यानी कि वो ऐसा इशारा करेगा कि मुझे पानी पीना है। परंतु अगर एक सामान्य व्यक्ति जो बोल सकता है वो अगर पानी मांगेगा तो कैसे मांगेगा? इसका सही उत्तर ये नहीं है कि वो बोल करके पानी मांगेगा। इसका सही उत्तर ये है कि अगर वो प्रभाव छोड़ना चाहता है तो वो बोलेगा पानी लाओ और साथ ही वो इशारा भी करेगा, यानी कि स्पोकन इंग्लिश में आपको संकेतों का यानी बॉडी लैंग्वेज का भी सहारा लेना होता है। अपने हाव भाव, अपने मुख मुद्रा, अपने आईब्रो मूवमेंट, नेक मूवमेंट, हैंड मूवमेंट से आप जो कुछ कम्युनिकेट करते हैं उसका प्रभाव अलग ही होता है, उसका असर बहुत ज्यादा गहरा होता है। इसलिए स्पोकन इंग्लिश सीखना एक खास प्रकार की कला है और इस कला में निपुण होने के लिए, उसमें कुशल होने के लिए आपको थोड़े प्रयत्न करने होंगे। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है, इस कोर्स में आपको स्पोकन इंग्लिश की बारीकियां समझाई जाएंगी, जैसे कब, किस परिस्थिति में क्या बोलना, क्यों बोलना, कैसे बोलना और दूसरों द्वारा बोली गई बातों को रिस्पॉन्ड कैसे करना, यानी उनका जवाब क्या देना। इसके लिए स्पोकन इंग्लिश के रूल्स भी आपको बताए जाएंगे और इंग्लिश की ट्रेडिशंस यानी परंपराएं भी समझाई जाएंगी। इन नियमों और परंपराओं को और भी अच्छे से समझाने के लिए या उन्हें आपके दिमाग में उतारने के लिए डायलॉग यानी संवाद भी होंगे और साथ ही होंगी एक्सरसाइजेस आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइजेस को हल करके आप उनके उत्तरों का मिलान मॉडल आंसर्स से करेंगे और यह जान पाएंगे कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं।
अपने ज्ञान पर भरोसा होने से ही तो कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास आता है। दरअसल एक व्यक्ति मेरे घर आया और उसने आकर के मुझे शादी का एक निमंत्रण पत्र दिया और निमंत्रण पत्र देने के साथ ही उसने मुझसे कहा, आदरणीय परमपिता परमेश्वर की कृपा से मेरे घर एक सुंदर अवसर उपस्थित हुआ है। प्रसंग है मेरे सुपुत्र चिरंजीव राजेश के शुभ विवाह का। वधु होगी सौभाग्याकांक्षिणी सीमा। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस मंगल अवसर पर सपरिवार पधारकर वर वधु को शुभाशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करें। अब उसने जैसे ही ये बात बोली मैं चौंका। अरे ऐसा तो आज तक कोई नहीं बोला, ये क्या बात हुई। मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड था और मैंने देखा कि वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके चला गया, ना पानी पिया ना बात की दूसरी। और उसके जाते ही जब मैंने कार्ड खोला तो कार्ड में लिखा हुआ था, देखिए सर आपके ही बच्चे की शादी है, ऐसा ना हो कि आप ना आए, आप भी आइएगा, भाभी जी को लाइएगा, बच्चों को लाइएगा, आइएगा जरूर। और मुझे समझ में आया, अरे ये जो कुछ उनको कहना था वो तो लिख करके लाए थे, वो जो लिख करके लाना था वो कह रहे थे। ये दरअसल एक एग्जाम्पल है, फिक्टिशियस है, काल्पनिक उदाहरण है, पर इससे आप शायद समझ पाए हो कि स्पोकन स्पोकन होता है और रिटन रिटन होता है। लिखने की एक अपनी भाषा होती है, उसका अपना ग्रामर होता है, उसकी अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यानी कि तकनीकी शब्द भंडार होते हैं, जबकि बोलचाल की भाषा सरल होती है, सीधे हमारे दिमाग में वो प्रवेश करती है और जल्दी उसका असर होता है। जैसे कि रेती से भरा हुआ एक बर्तन है, उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो सर्र से वो अंदर उतर जाएगा, परंतु अगर आप उसमें कोई गाढ़ी चीज जैसे कि चाशनी या शहद डालेंगे तो वो बहुत मुश्किल से उसके अंदर नीचे जाएगा। इस बात से हमें ये समझ में आता है कि स्पोकन इंग्लिश तरल और सरल होनी चाहिए ताकि हमारे दिमाग में सीधे वो घुस सके और लोगों पर उस बात का असर कर सके। यानी हम जब बोलें तो लोग समझ सके, लोग बोले तो हम समझ सके। तो इसी के साथ मैं अंत में आपको इतना ही बताना चाहूंगा, आओ सीखो के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रखा गया है। आप उसे सिलसिलेवार एक एक यूनिट को विधिवत करते हुए सीखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosikho.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।